नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। केरल में धन दौलत पाने के लालच में एक दंपत्ति ने दो महिलाओं की बलि चढ़ा दी। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गुजरात से भी अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम की हत्या करने की खबर आ गई। यहां का मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद बच्ची के पिता ने की है। मामला गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के धावा गांव की है। यहां तांत्रिक विद्या की साधना करते हुए एक पिता ने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। उसे शक था कि उसकी 14 साल की बेटी के शरीर में भूत रहता है। उसे भगाने के लिए उसने 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान नहीं बल्कि मासूम के साथ हैवानियत की हद को पार करने वाली प्रताड़ना थी। बच्ची को डंडे और तारों से पीटा गया, भूखा प्यासा रखा गया। 7वें दिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बच्ची के शव को कंबल और प्लास्टिक में लपेटकर श्मशान में जला दिया गया ताकि किसी को वारदात का पता ना चले। सूरत से 6 महीने पहले गांव आया भावेश अकबरी पूरे गांव से उखड़ा उखड़ा रहता था। कुछ दिन पहले किसी ने पुलिस को फोन पर सूचना दी कि भावेश ने बेटी धैर्या की काला जादू और तंत्र मंत्र करते हुए हत्या कर दी है। वारदात की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए गिर सोमनाथ पुलिस की टीम धावा गांव पहुंची। पुलिस की प्राथमिक तफ्तीश में पता चला कि काला जादू करके पहले बच्ची को जमीन में गाड़ा गया, उसके बाद उसे बाहर निकालकर चला दिया गया था। बच्ची के पिता के हैवान बनने के पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने पूरे परिवार से पूछताछ की है। गिर सोमनाथ जिले के पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह जडेजा ने बताया, भावेश अकबरी को शक था कि उसकी 14 साल की बेटी के शरीर में भूत है। लगातार 7 दिन तक प्रताड़ित करके उसने बेटी की हत्या कर दी। उसने अपने भाई दिलीप अकबरी के साथ 1 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे से लेकर 7 अक्टूबर तक भूत भगाने के तांत्रिक अनुष्ठान भी किए। यहां रिश्ते को तार तार करते हुए एक बाप ने अपनी ही बेटी को बलि चढ़ा दिया, वो भी अंधविश्वास के चक्कर में। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।